नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखिए, जब भी आपने सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का यानी चेक बाउंस का कोई भी क्रिमिनल केस आपने कोर्ट में अंदर फाइल करना है, तो उससे पहले अक्यूज्ड को यानी जिसके ऊपर आपने वो केस डालना है उसको आपको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये चेक जो आपने दिया था ये बाउंस हो गया है और इसकी जो है आप हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो 15 दिन का होता है फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ नोटिस, वो आपने हमें पेमेंट करनी है। वो पेमेंट नहीं करता तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 138 का क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट के अंदर फाइल करने के लिए। तो वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, वो मैंडेटरी है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप जब लीगल नोटिस भेजते होंगे तो वो लीगल नोटिस वापस आ जाता होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता होगा कि हाउस लॉक था या शॉप क्लोज थी या जिसको आपने भेजा वो उस पते पे अभी नहीं था, वो बाहर गया हुआ था, और भी बहुत सारी ऐसी एंडोर्समेंट्स हैं जो आ जाती होंगी जिससे आपका नोटिस वापस आ जाता होगा। तो आपको लगता होगा कि ये तो नोटिस की सर्विस हुई नहीं। अब नोटिस सर्व नहीं हुआ तो आपकी डिमांड नहीं हुई तो आप केस नहीं डाल सकते। तो उस केस में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, बहुत सारे लोगों को क्वेरीज रहती है कि अब क्या हम केस डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने लीगल नोटिस भेजा, उसको मिला, उसकी रिपोर्ट भी लगानी होती है, एफिडेविट भी देना होता है कि हाँ हमने लीगल नोटिस डिस्पैच कर दिया था, उसको मिल गया है या हमने उसे करेक्ट एड्रेस पे भेजा था, तो एक एफिडेविट होता है वो भी आपको साथ में देना पड़ता है सर्विस। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है ये क्वेरी करते हैं कि अब हम ये कैसे दिखाएंगे कि इसको सर्विस हो गई है जबकि हाउस लॉक्ड था और वापस आ गया नोटिस हमारे पास, तो वो एंडोर्समेंट वाला एनवेलप हम लगाएं कि ना लगाएं, या और बहुत सारी चीजें कि वो आउट ऑफ स्टेशन था या उसकी शॉप क्लोज थी। अब एंडोर्समेंट के साथ ये वापस आ गया लेटर तो इसका मतलब आपकी सर्विस नहीं हुई, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। अब इसके ऊपर कानून क्या है, आइए मैं आपको अपना वीडियो स्टार्ट करके बताता हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कानून इस पे क्या कहता है, जजमेंट्स क्या कहती हैं कि ये सर्विस मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। आइए मैं आपको सीधा जजमेंट से ही बता देता हूं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये सर्विस मानी जाएगी। अब वो कौन सी जजमेंट्स हैं आप निकाल के रख लीजिए, पढ़ लीजिए, कभी रिक्वायरमेंट हो आपको कोर्ट के आगे दिखानी पड़े तो आप वो जजमेंट दिखा दें। देखिए इसमें काफी जजमेंट्स हैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल मैं आपको जजमेंट्स पे ले चलता हूं। आइए देखिए पहली जजमेंट क्या कहती है। तो पहली जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है, एन परेश्वरन उन्नी वर्सेस जी कनन एंड अनदर। तो आप देख सकते हैं ये 1 मार्च 2017 की जजमेंट है। पैरा 15 में कोर्ट ने कहा, दिस कोर्ट इन कटीना ऑफ केसेस हैज हेल्ड दैट व्हेन अ नोटिस इज सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड इज रिटर्न्ड विद पोस्टल एंडोर्समेंट रिफ्यूज्ड और नॉट अवेलेबल इन द हाउस और हाउस लॉक्ड और शॉप क्लोज्ड और एड्रेस ही नॉट इन स्टेशन, ड्यू सर्विस हैज टू बी प्रिज्यूम्ड। तो पहली जजमेंट से आपको पता चल गया होगा कि क्या कानून है। अब बात करते हैं दूसरी जजमेंट की, वो काफी डिटेल्ड जजमेंट है, उसके अंदर और काफी सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मेंशन है, तो ये सारी आप जजमेंट्स आप निकाल लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट देगी जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी। आइए देखिए वो सेकेंड जजमेंट क्या है। 6/2007 SLT 442 CC अलावी हाजी वर्सेस पालापट्टी मोहम्मद एंड अनदर। All these aspects have been highlighted and reiterated by this court recently in Vinod Shivappa's case Supra, elaborately dealing with the situation where the notice could not be served on the addressee for one or other reason such as his non-availability at the time of delivery or premises remaining locked on account of his having gone elsewhere etc. It was observed that if in each case the law is understood to mean that there has been no service of notice, it would completely defeat the very purpose of the act. It would then be very easy
for an unscrupulous and dishonest drawer of a check to make himself scarce for some time after issuing the check, so that the requisite statutory notice can never be served upon him and consequently he can never be prosecuted. This court has already held that when a notice is sent by a registered post and is returned with a postal endorsement, refused or not available in the house or house locked or shop closed or addressee not in station, due service has to be presumed. अब आप देखें इसमें कितनी सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मेंशन कर रखी हैं, तो आप ये सब निकाल लें और इन पे आप रिलाई करें। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कोर्ट कहती है, एनी ड्रॉअर हु क्लेम्स दैट ही डिड नॉट रिसीव द नोटिस सेंट बाय पोस्ट कैन विद इन 15 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ समन्स फ्रॉम द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट मेक पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट and submit to the court that he had made payment within 15 days of receipt of summons by receiving a copy of complaint with the summons, and therefore the complaint is liable to be rejected. A person who does not pay within 15 days of receipt of the summons from the court along with the copy of the complaint under section 138 of the act cannot obviously contend that there was no proper service of notice as required under section 138 by ignoring statutory presumption to the contrary under section 27 of general clauses act and section 114 of indian evidence act. To sath hi yahi thi aaj ki judgments. In situations mein aap in judgments ko use kare, कोर्ट के आगे दिखाएं. अगर कभी आपके दिमाग में डाउट आता है केस डालना है चाहिए कि नहीं डालना चाहिए 138 का, तो आई होप कि आपको ये डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा. और कभी आपको ज़रूरत पड़े जजेस के आगे ये जजमेंट दिखा के एक्सप्लेन करने की लॉ को, तो आप वो भी ज़रूर करें. तो आज का मेरा वीडियो इतना ही. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं. आज का मेरा वीडियो इतना ही. धन्यवाद.